चैप्टर में क्या है कि पहले चैप्टर में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और दूसरा है रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये फाइनेंशियल मार्केट के इंट्रोडक्शन में ये दो चीजें हैं। सेकेंड चैप्टर में सिक्योरिटी मार्केट और सेगमेंट्स में कॉरपोरेट एक्शंस जो हैं, जिसमें डिविडेंड और बहुत सारे कैलकुलेशंस, थोड़े बहुत डिविडेंड यील्ड के कैलकुलेशंस आते हैं इस चैप्टर से, या उसमें फिर मर्जर एक्विजिशंस के प्रोसेसेस हैं, इसको लेकर के प्रश्न आते हैं। तो जो बेसिक चैप्टर है उसमें से सिक्योरिटी मार्केट के वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट एक्शंस का। तीसरे चैप्टर में म्यूचुअल फंड्स काफी इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअल फंड से बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी इन तीनों चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तीसरे चैप्टर से ही प्रश्न आते हैं। इसमें तीसरे चैप्टर में प्रोडक्ट और टैक्सेशंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं, बेसिक्स हैं कि किस तरीके से कौन से लोगों को म्यूचुअल फंड्स एडवाइस करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बेसिकली उसमें हैं। दूसरा जो है इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है जिसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स में राजीव गांधी सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस स्कीम, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल हैं, ज्यादातर सवाल आपको इन्हीं दोनों में से आएंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से और राजीव गांधी सेविंग स्कीम से। मैं बिल्कुल बाइफर्केट करके आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट केवल बता रहा हूँ कि कौन से पॉइंट से और कहाँ से सवाल आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में यह है। इसके बाद इसी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जिसमें पीपीएफ से आपको हर बार दो से तीन सवाल रहने ही रहने हैं। दो से तीन क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आते ही आते हैं पीपीएफ से, कि पीपीएफ का टेन्योर कितना है, कितने में रेन्यू कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो पीपीएफ से आते हैं। इसके बाद पांचवें चैप्टर में जो मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क है और मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है, इन दो चैप्टर्स को मिला के इसमें से आते हैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कॉफिशियंट, वेरिएंस, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स हैं। आपको कोई बहुत बड़ी गणित करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे ही आपको इनपुट पुट करना है और फिर ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, किसी भी तरीके का कोई इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है कि आपसे ना हो। इवन किसी ने अगर छठी क्लास भी पास करी है वो भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल वन में बेसिक्स चीजें बताई गई हैं कि बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपको बीटा के बारे में समझ में आना चाहिए कि बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, कॉफिशियंट क्या होते हैं, इन सब चीजों की जानकारी होनी थोड़ी सी जरूरी होती है। जिनने अभी ज्वाइन किया है वो चाहे तो म्यूट कर लें अपने आप को। तो मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क और मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क में ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कॉफिशियंट, वेरिएंस, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशंस, इससे आपको तीन से चार क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आगे मैंने बाइफरकेट किया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, इसका भी बाइफरकेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सातवें चैप्टर में एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी, किस तरीके से फाइनेंशियल, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इसमें कैसे आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इसको लेकर के है। एसेट एलोकेशन से पांच से छह क्वेश्चन आने ही आने हैं, जिसमें टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, डायनामिक पैसिव एक्टिव इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन से चार से पांच क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंश्योरेंस में बिल्कुल बेसिक है, मेडिकल टर्म इंश्योरेंस, इंडाउमेंट क्या होते हैं, यूलिप्स क्या होते हैं, यूलिप्स के प्रीमियम क्यों हाई होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इंश्योरेंस रिलेटेड रहते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर बात करूं तो रिटायरमेंट में रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, एन्यूटी को लेकर के क्वेश्चन रहते हैं और प्लानिंग प्रोसेस को लेकर के क्वेश्चन रहता है। टैक्स और एस्टेट प्लानिंग में वेल्थ टैक्स को लेकर के एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्टेट प्लानिंग भी एक दो प्रश्न आपको रहते ही रहते हैं। रेगुलेटरी और इन्वायरमेंट इथिकल इशू, वैसे तो ये इथिकल शब्द ही आजकल जायज नहीं रह गया है, लेकिन इथिकल इशू बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का पार्ट है और एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं इथिकल इशू से भी। तो इथिकल इशू से भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे। अब मैं बाइफर्केशन आपको बताता हूं कि बाइफर्केशन में किस तरह की चीजें हैं।
तो सबसे पहले तो असेसमेंट बता दूं आपको कि किस तरीके का एग्जाम होगा और इस एग्जाम में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपको आएंगे और उन 100 क्वेश्चन में से उन 100 क्वेश्चन में से आपको टोटल मार्क्स जो करने हैं वो 60 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। पासिंग मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स का है। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं, ना ही ये किसी तरीके का स्कूल का एग्जाम है, ना ही ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको ध्यान में ये रखना है कि 60 नंबर्स आप कैसे स्कोर करोगे। पास करना इंपॉर्टेंट है, स्कोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्कोर करने के लिए जाएंगे, गलती होने की संभावना बढ़ेगी, इसमें किसी तरीके का कॉम्पिटिशन नहीं है। ये जस्ट आपको मिनिमम एक सर्टिफिकेशन दे रहा है कि हाँ आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में काम करने के लायक हैं। तो 60 नंबर स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, 100 के अटेम्प्ट करना ही गुनाह है, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। वैसे 2 घंटे का पेपर नहीं है, अगर आपकी तैयारी रहेगी तो 2 घंटे भी आपको नहीं लगने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी है तो 1 घंटे 1 घंटे 25 मिनट मैक्स है, इससे ज्यादा आपको टाइम लगने वाला भी नहीं है। तैयारी नहीं है, तुक्का चलाएंगे तो तुक्के से ये एग्जाम पास नहीं होगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि ये एग्जाम आप तुक्के से पास नहीं कर सकते। आप अगर अटेम्प्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन तुक्के से ये एग्जाम पास नहीं होगा। 1000 में से इक्का दुक्का किसी का लग गया तुक्का तो हो सकता है, लेकिन तुक्के से ये एग्जाम पास नहीं हो सकता। तो 60 नंबर आपको मिनिमम स्कोर करने हैं। निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है, 0.25 पर क्वेश्चन के बेसिस पे आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी, तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग आपको रहेगा ही रहेगा हर क्वेश्चन में। तो बेहतर ये है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। 60 मार्क्स जैसे ही आपको समझ में आए कि 60 के ऊपर आप स्कोर कर रहे हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करने पे फोकस नहीं करना है, स्कोर केवल 60 करना है, 100 पे जाना नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको कि चैप्टर वाइज किस तरीके से बाइफर्केशन अवेलेबल होगा। पहले चैप्टर से लगभग 5 से 7 प्रश्न आने की संभावना है, सेकेंड चैप्टर से 3 से 6 प्रश्न आने की संभावना है, म्यूचुअल फंड से 9 से 10 प्रश्न आने की संभावना रहती है। म्यूचुअल फंड से थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से भी थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। पहले और सेकंड चैप्टर से आपको प्रश्न जो है वो थोड़े से कम दिखेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से आपको प्रश्न ज्यादा दिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का है। इसके बाद मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क और मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क से आपको 10 से 20 क्वेश्चन तक आपको दिख सकते हैं। तो टॉप के जो 2 चैप्टर हैं उससे आपको कम प्रश्न दिखेंगे, बाकी के जो 4 चैप्टर हैं उसमें आपको ज्यादा प्रश्न दिखेंगे। मतलब मेजरली आप देखेंगे तो इन 4 चैप्टर में से ही आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा मैंने बताया कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में किन चीजों से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं जनरली, मिनिमम साइड में 5, ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से रहता है। एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में 7 से 8 क्वेश्चन, यहां मैंने क्लब किया हुआ इंश्योरेंस प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को, जिससे 20 क्वेश्चन की संभावना है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये 4 चैप्टर, और इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग, इससे ये पांच से छह चैप्टर अगर आप देखेंगे तो इन 5 से 6 चैप्टर में ही आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेजर फोकस आपको इन सारे चैप्टर्स पे करना है, ना कि दूसरे चैप्टर्स पे। रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल एथिकल इश्यूज पे प्रश्न कम रहते हैं, लेकिन फिर भी एसआरओ जैसे जो चैप्टर हैं, सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। एक एसआरओ से क्वेश्चन रहता है और दूसरा रहता है कंप्लेंट रिड्रेशल सिस्टम से, जो कंप्लाइंस कैसे हैंडल करना है, सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, इवन आपके इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे इंश्योरेंस का जो कंप्लाइंस होगा वो कहाँ जाएगा, म्यूचुअल फंड्स का कंप्लाइंस कहाँ जाएगा, इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल एथिकल इश्यूज से रहते हैं। तो मेजर जो पार्ट है इस पूरे एनआईएसएम लेवल 1 का, उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, इसके साथ साथ इंश्योरेंस प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग, इतना आपको मेजर कवर करना है। ये अगर आपने कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको स्कोर करने में सहूलियत होगी। और स्कोर करना आपको क्या है, कितना स्कोर करना है, तो केवल 60 स्कोर करने हैं। मतलब है कि आपके पास में एक स्कोप है कि आपको 60 कैसे स्कोर करना है। अब मैं आपका उसका बाइफरकेशन आपको दिखाता हूं कि 60 मार्क्स हमें कैसे स्कोर करना है।
हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको केवल 60 मार्क्स स्कोर करने हैं, इससे ज्यादा स्कोर नहीं करने हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अटेम्प्ट जो करने हैं क्वेश्चन, वो 75 से 85 क्वेश्चन ही केवल अटेम्प्ट करने हैं, 85 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करने ना जाएं। हाँ, बशर्ते कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आप 100 में से 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्रैक करने के लिए 75 से 85, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव आपके कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उससे। तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 75 से 85 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन का आपके पास में स्कोप है जिसको आप छोड़ सकते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे उसको। अटेम्प्ट आप ना करें तो बेहतर होगा। जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है तो ही आप उसको अटेम्प्ट करें, नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन का आपके पास में स्कोप है, आप उसको अटेम्प्ट ना करें तो एग्जाम क्रैक करने में आपको सहूलियत होगी। इसके बाद NISM में बहुत सी चीजें ऐसी हैं लेवल 1 में जो आपको मेमोराइज करने वाली हैं, जैसे सेविंग स्कीम्स के लिमिट कितने होते हैं, PPF का टाइमिंग कितने का ड्यूरेशन होता है, कितने ब्लॉक में आप उसको आगे कर सकते हैं, इवन SRO की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन मेमोराइज करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपकी यादाश्त पर डिपेंड करेगा कि आप उसको याद कितना रखते हैं, जितना आप उसको याद रखेंगे इतना आपके लिए बेहतर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज है, कोई बहुत बड़ा टेक्टिकल यहाँ पे एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल चीजों को कवर करना पड़ेगा, इस तरीके की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि चीजों को मेमोराइज रखना है और याद करके बहुत सारे सवाल ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन तो मिनिमम साइड में ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल केवल आपके मेमोरी बेस्ड होंगे, और 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही हो जाएंगे केवल मेमोरी बेसिस पे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करना है, लक फैक्टर काम नहीं करेगा, चांसेस बहुत कम है। आप अटेम्प्ट लेंगे पता चलेगा कि आपको निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, इवन 70-75 अटेम्प्ट करने के बाद भी कई सारे लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर जाते हैं जिस कारण से वो निगेटिव हो जाते हैं और 50-55 पे आके रुक जाते हैं। तो अटेम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसका ध्यान रखना है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70-75 पे आ रही है तो 70-75 ही अटेम्प्ट करें, 20-25 क्वेश्चन रहने दें, अटेम्प्ट ही ना करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी इसमें आएंगे NISM लेवल 1 में, लेवल 2 में एक्सेल बेस्ड कैलकुलेशंस हैं, लेकिन लेवल 1 में जो कैलकुलेशंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। अब मैं बताऊं आपको कि हम कैसे आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि डेली जो हमारा सेशन रहेगा वो 30 से 40 मिनट का रहेगा और ऑफिस आवर के बाद हम ये सेशन रखेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो सेल्स में हैं वो इस चीज को क्रैक करना चाहते हैं, तो जनरली आते आते ही उनको समय 8 बजे का हो जाता है, 8:15 का उनका टाइम वैसे भी घर पहुंचते पहुंचते हो जाता है। लेट लतीफ भी अगर हुए तो 9 तो उनको समय लग जाता है अगर वो सेल्स में है या फिर अदर डिपार्टमेंट में भी हैं, और जिस तरीके का माहौल अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में है अदर डिपार्टमेंट्स में भी आजकल टाइम ज्यादा लग रहे हैं और 8:30 एक नॉर्मल टाइम हो गया है। तो सेशन जो है वो हमारा रहेगा वो 9:30 बजे के बाद का ही रहेगा। सेशन हम 30 से 40 मिनट का रखेंगे और जिस तरीके से आज आप अटेंड कर रहे हैं इसी तरीके का सेशन आपका रहेगा। एक हम सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे अगर एक चैप्टर का हमने डिस्कस किया या किसी चैप्टर के 10 क्वेश्चन अगर हमने डिस्कस किए तो उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पोस्ट किए जाएंगे। इवन आपके पास में भी ऑप्शन रहेगा कि कैसे आप उसका जवाब दें, और जवाब का ऑप्शन भी रहेगा, आप उसको जवाब भी दे सकते हैं। जिस तरीके से पोल क्रिएट किए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएटेड रहेंगे और आप क्वेश्चन उनसे वहां भी जवाब दे सकते हैं। तो आपकी लाइव टीचिंग के साथ साथ आपका एक टेलीग्राम ग्रुप में आप साथ में प्रिपरेशन भी आपका चलता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। इवन हमने वीकेंड भी प्लान मीट किया है कि जैसे अगर हम मंडे टू सैटरडे अगर हम सेशंस रख रहे हैं तो सैटरडे और संडे को हम चाहें तो किसी भी कंफर्टेबल प्लेस में जो भी रहेंगे पार्टिसिपेंट्स जो भी रहेंगे हमारे साथ में
उन सब की एक वीकेंड मीटअप भी रखेंगे, इससे इंटरेक्शन भी हो जाएगा और अगर कुछ इंडिविजुअल डाउट्स होंगे तो वो भी हम क्लियर करेंगे चीजों को। पीडीएफ कॉपी मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि आप चाहें तो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हम तो आपको पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी व्यक्ति अगर हमें ज्वाइन करता है, कोई भी अगर एनआईएसएम लेवल वन लेवल टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है हमारे साथ, तो उसकी टीचिंग हमारे तरफ से तब तक जारी रहेगी जब तक वो एग्जाम क्रैक ना कर ले। हम कोई ये केवल वन टाइम ऐसा नहीं है कि आपसे हमने डिस्कस किया और कहानी खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचिंग आपकी, हैंड होल्डिंग आपकी तब तक रहेगी जब तक आप एग्जाम क्रैक ना कर लें। जिस दिन आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे तब हम मानेंगे कि हमारी जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो सार्थक रहे और हमने जो एफर्ट्स लगाया वो जायज था। तो जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर लेंगे तब तक आपकी टीचिंग जारी होगी, चाहे उसके लिए वन टू वन एफर्ट्स देने पड़े, चाहे उसके लिए डेली बेसिस पे एफर्ट्स देने पड़े मुझे, चाहे उसके लिए मेरे साथ में जो और भी इंस्ट्रक्टर हैं उनको अगर वन टू वन मीट करना पड़े। इवन टीचिंग में 30-40 मिनट में अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम 60 मिनट भी लेके चल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, चाहे वो एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल वन हो, चाहे लेवल टू हो, या फिर रिसर्च से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई भी एग्जाम जब तक क्रैक नहीं होगा हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बिना क्रैक कराए हम आपको कतई नहीं छोड़ेंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। पर्सनल मीटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि पर्सनल मीटिंग हम रखेंगे और ये इंडिविजुअल भी रखेंगे, इंडिविजुअल अगर डाउट कुछ होता है तो इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस सेशन भी हमारे रहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि सेशंस कंडक्ट कौन करेगा। तो सेशंस मेरे द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, जो मुझे जानते हैं वो ऑलरेडी मुझसे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, जो नहीं जानते हैं उनको भी बता दूं कि मैं ऑलरेडी इन चीजों को एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल वन हो, लेवल टू हो और रिसर्च से रिलेटेड हो, इक्विटी सेल्स हो, डेरिवेटिव हो, मैंने ऑलरेडी ये सारे एग्जाम्स पास किए हुए हैं, एनआईएसएम से ऑलरेडी मैं सर्टिफाइड हूँ, इसके बाद ही आपको ये चीजें दे रहा हूँ। जो अदर इंस्ट्रक्टर हैं उनको भी ये चीज, जो जिन्होंने एनआईएसएम ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, जो ऑलरेडी एनआईएसएम सर्टिफाइड हैं, उनसे ही आपको किसी भी तरीके की मेंटरशिप, किसी भी तरीके की आपकी टीचिंग जो होगी वो आपकी उनसे ही होगी जो एनआईएसएम ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है। कोई ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने एनआईएसएम नहीं दिया हुआ है उनसे इस तरीके की टीचिंग नहीं होगी, हम केवल आपसे उन्हीं व्यक्ति के साथ में इंटरेक्ट करवाएंगे। इसके बाद जो इंस्ट्रक्टर हैं वो केवल मैं अकेले नहीं हूँ, एक दो इंस्ट्रक्टर और मेरे साथ में हैं जिन्होंने ऑलरेडी एनआईएसएम दिया हुआ है। तो बेसिकली ये आपका वन टू वन इंटरेक्शन है, बेसिकली ये आपका वन टू वन कन्वर्सेशन है, ये आपके एनआईएसएम लेवल वन लेवल टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। और जिस तरीके की किताबी भाषा एनआईएसएम लेवल वन लेवल टू में लिखी गई है उस तरीके की किताबी भाषा का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि टिप्स कैसे आपको क्रैक करने हैं, उस पे फोकस ज्यादा करूंगा, इस पे फोकस नहीं होगा कि किताब आपको पिला देनी है। किताब पिलाने की जरूरत नहीं है, किताब में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है केवल उस पे फोकस करना है। कई सारे लोगों के पास में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि किस तरीके से वो पढ़ पाए, या उनके पास में समय नहीं है, या हो सकता है कि वो खुद से प्रिपेयर ना कर पाए, इस तरीके की भी चीजें हैं। तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ज्वाइन करने की फीस क्या रहेगी, या किस तरीके से आप कैसे आप ज्वाइन करेंगे हमें, और क्या बेसिक नुएंसेस होंगे। अब कई सारे लोगों का सवाल यह है कि आप ये चीज खुद से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब मेरा ये है कि एनआईएसएम लेवल वन लेवल टू खुद से भी क्रैक किया जा सकता है। ऐसा कतई नहीं है कि एनआईएसएम लेवल वन लेवल टू खुद से क्रैक नहीं किया जा सकता। इवन आईआईटी के भी एग्जाम्स खुद से क्रैक किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग मेंटरशिप लेते हैं, लोग कोचिंग लेते हैं। उसका मेन मकसद ये है कि आप अगर सीखे हुए इंस्ट्रक्टर से अगर आप सीखेंगे तो बेहतर होगा, जो ऑलरेडी एनआईएसएम से सर्टिफाइड हैं, जो लाइव एग्जाम्पल्स आपको कोट करके दे सकते हैं, बेसिक लाइव एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इवन किस तरीके से पीपीएफ से लाइव एग्जाम्पल हो सकते हैं, इवन आप जब आईपीओ के प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें कैसे लाइव एग्जाम्पल होते हैं, असबा क्या होता है, उसके बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल की कैसे अप्लाई किया जाता है आईपीओ में,
इस तरह की लाइव एग्जांपल के साथ में आपको सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई इस तरीके की चीज नहीं है कि आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन ना किए जाएं। अब कई सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या ये फ्री है, तो फ्री रख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एफर्ट्स लगेंगे। और मेरा मानना यह है कि जो चीजें आपको आती हैं वो कभी भी फ्री में नहीं करनी चाहिए।